एक्टर अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस रेखा के रोमांस के किस्से आज भी अक्सर सुने और सुनाए जाते हैं। हालांकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी डिनर पार्टी का किस्सा जिसने जया बच्चन और रेखा के बीच सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल सन 1976 का दौर था जब फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के साथ ही अमिताभ और रेखा के अफेयर के किस्से आम हो चले थे। जया को भी इस बात की खबर हो गई थी कि अमिताभ और रेखा के बीच में अफेयर है। ऐसे में एक दिन जब अमिताभ शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे तो जया ने रेखा को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। कहते हैं जब रेखा जया के घर पहुंची तो सब कुछ नॉर्मल था। दोनों ही एक्ट्रेस के बीच ऐसी ही बातचीत हो रही थी जैसे कि कोई बात ही ना हुई हो। दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब सारी बातचीत की और इस दौरान अमिताभ का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। इसके बाद जब रेखा जाने लगी तो जया उन्हें छोड़ने बाहर तक आई और तभी उन्होंने रेखा से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अमित को छोड़ूंगी नहीं। ये वो बात थी जिसके बाद सब कुछ बदल गया। खबरों की माने तो अमिताभ को इस डिनर के बारे में पता चल गया था और साथ ही वो समझ चुके थे कि जया उनके और रेखा के बारे में सब कुछ जान चुकी है। कहते हैं कि इस घटना के बाद से ही बिग बी ने रेखा से दूरी बना ली थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बाकी सभी दूसरी खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।